2024 की 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में एक अद्भुत राम मंदिर जो बनने जा रहा है और उसका प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है। आप जैसे देख सकते हैं कि ये भाई जामनगर के एक राम मंदिर में आया हूँ मैं, और एक बहुत अद्भुत बात मैंने आज देखी यहाँ पे। पिछले 60 साल से, आई एम रिपीटिंग, पिछले 60 साल से 1 अगस्त 1964 को यहाँ पे राम धुन की शुरुआत हुई थी, और ये अखंड राम धुन आप देख सकते हो। लोग अपने पूर्ण भाव भक्ति से राम जन्मभूमि धुन बजा रहे हैं, और ये जो मंदिर है इसमें जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे चारों तरफ सिर्फ राम धुन वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, और ये जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे नॉन स्टॉप फॉर 60 ईयर्स जय जय राम, ये 21,712 दिन से चल रहा है अखंड राम धुन। 60 साल से अविरत राम धुन यहाँ पे जा हो रही है, और चारों तरफ जैसे आप देख सकते हैं ये पूरा जो मंदिर है इट इज़ समथिंग आउट ऑफ वर्ल्ड, और लोग पूर्ण भाव भक्ति से अपने यहाँ पे राम धुन करते हुए, और ये दिन हो रात हो, ठंडी का मौसम हो या किसी भी प्रकार का वातावरण हो, इवन मुझे ये बताया गया बीपार जो है यहाँ बहुत इफेक्ट हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये रामधुन चालू रही थी। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे मंत्रा ऑफ विक्ट्री इन वेरियस लैंग्वेजेस, हर एक भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है श्री राम जय जय राम। इसमें आप हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, पंजाबी, बंगाली, मराठी, मलयालम, हर एक प्रकार की भाषा है, और लेकिन सॉरी इसमें मराठी नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो इसमें पर्शियन भाषा भी है, और अभी पर्शियन भाषा जो है यहाँ पे आज एक मैंने और भी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मैंने पर्शियन भाषा वाले भी मैंने देखे। और ये है पूरा ये मंदिर, सामने जो लाखोटा लेक है उस तरफ, और ये जो मंदिर है यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं, और ये राम जन्मभूमि पे जैसे वहाँ पे अखंड धूप होने वाली है, बस वही अखंड ये राम धूप यहाँ पे पिछले 60 साल से चल रही है।